सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। सीएम हेमंत सोरेन ने किया करोड़ों की सब्जी मार्केट का उद्घाटन, बोले इसकी सुरक्षा और सफाई की जिम्मेवारी हम सब की। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू, 27 अक्टूबर से 13 नवंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। रांची में एम्स खोलने की तैयारी, पीएमओ के निर्देश पर जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू। पटना बम ब्लास्ट मामले में रांची के इम्तियाज अंसारी समेत 9 आतंकी दोषी करार, 1 नवंबर को फैसला। झारखंड के 8 शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगी जगह, लोन और ट्रेनिंग देगी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने सरदार पटेल पार्क का किया लोकार्पण, बोले हमें पर्यावरण को कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा बगैर सक्षम पदाधिकारी के निर्गत प्रमाण पत्र से नहीं मिलेगा लाभ। साहिबगंज में आंखों के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने वाले नर्सिंग होम संचालक जाएंगे जेल, सीएम हेमंत सोरेन ने कार्रवाई के दिए निर्देश। जमशेदपुर में ट्यूशन पढ़ने जा रहे भाई बहन को ट्रैक्टर ने कुचला, हालत गंभीर। देवघर में छुरा मारकर भाई की हत्या, बीच बचाव करने आए माँ बाप को भी किया जख्मी। कोडरमा स्टेशन के पास सेक्स रैकेट की सूचना पर छापा, 2 लड़की और 2 लड़के धराए। सिमडेगा के विभिन्न प्रखंडों में लगा SIS का भर्ती कैंप, कैंडिडेट 3 नवंबर तक हो सकते हैं शामिल। गुमला में बालू लदे ट्रैक्टर ने वृद्ध महिला को कुचला, मौके पर तोड़ा दब। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी नहीं मिली बेल, 28 को फिर होगी सुनवाई। लद्दाख में कांस्टेबल के 213 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी की राजनीति में एंट्री, कांग्रेस में हुई शामिल। नीरज चोपड़ा, लवलीना और मिताली समेत 11 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड, ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन का मिला इनाम। पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को छूट। लगातार दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड की दावेदारी मजबूत, बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। 6 साल बाद चुनावी मंच पर दिखे राजद सुप्रीमो लालू यादव, नीतीश पर जमकर साधा निशाना। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।